गाइस ये देखो बगीरा के काम, इसने क्या करा है, इसने फिस का सारा दाना गिरा दिया। अब मुझे सारा दाना इकट्ठा करके जो साफ होगा, दाना साफ होगा वो मुझे वापस से पैक करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारा दाना ठीक है। तो इसको फटाफट से पैक करते हैं। ये देखो, ये रही माँ से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या डेंस फॉग लगा यार, आज तो मतलब हद ही हो गई। मेरे सामने जो टावर है, इनफैक्ट वो तक नहीं दिख रहा सही से, फिर भी तोतों की आवाज़ कहीं से आ रही है। ये देखिए कितना डेंस फॉग लगा है, सामने पहाड़ भी नहीं दिख रहे। तो अब बिना किसी देरी के हम कबूतर को खोलते हैं, फिर आपको लॉफ्ट के अंदर दिखाता हूँ। गाइज यार ठंड बहुत हो रही है, तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं कबूतरों को जो उनका दाना पानी उनके लॉफ्ट, तो मैं उनके लिए गर्म पानी लेके आ गया हूँ बर्तनों में। अब इनके जो है बर्तनों में फटाफट से इनका पानी और दाना डालते हैं और इनको अंदर ही बंद रहने देंगे, सो दैट कबूतरों को ठंड ना लगे। कबूतरों को दाना पानी ये देता हूँ, देखिए मैंने उनके लिए यहाँ जो है इसमें दाना भर दिया है और ये पानी भर दिया है इधर भी, और मैंने एक दो कबूतर को भी बाहर निकाल दिया। और पहले जो मैं बच्चे को हैंड फीड करा देता हूँ, उसके सारे कबूतरों को बाहर निकाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी सारे कबूतरों को बाहर निकाला तो बच्चों को मारेंगे। छोटा बच्चा जो है सिराजी का, तो फटाफट से इसके लिए जो है आटा बनाते हैं, आटा तैयार करते हैं, उसका जैसे हैंड फीड कराते हैं। तो गाइज मैंने सारे कबूतर खोल दिए हैं और अब इनको यहीं मैंने अंदर दाना दे दिया है, ये देखिए। और मैं टर्टल्स को भी यहीं लेके आ गया हूँ, जब तक मैं टर्टल्स का नया घर बनाता हूँ तब तक इनको यहीं रहने देंगे, क्योंकि रात में यहाँ बल्ब जलता है तो हीट रहती है। अब देखिए सारे कबूतर, देखिए फैंटेली वगैरह सब लॉफ्ट में। बाकी और कुछ नवी अपडेट है नहीं, अभी सब अंडे पे बैठे अपने सब। इसके बाद चलते हैं हम सीधा मुर्गे के बच्चों के पास। मुर्गी के इस बच्चे सारे बाहर आ गए और अब धूप भी आ गई है। मैंने इनको इनका दाना डाल दिया है यहाँ बाहर पे, अब इनको इनका पानी देते हैं और धूप आने लगी है। तो अब देखिए अब हम कबूतरों को बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइज ये रहा रैबिट्स का लंच, जल्दी से चलते हैं और तो उनका लंच दे के आते हैं। आज मुर्गी के बच्चे पूरे टाइम बाहर ही थे, मस्त अपना खाना पीना खा रहे हैं। चीकू मिकू पिकू वाइटी इनकी ट्री में डालते और वेट करते हैं इनके आने का। आप देख सकते हैं यार इसकी एक तरफ की आंख सही नहीं है, लाइट में अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये तो पत्ते खाने में बिजी है। बस अब चलते हैं हम यहाँ से कबूतरों के पास और उसके बाद मछलियों को भी खाना देते हैं। टर्टल्स का नया घर बन रहा है, इस तरफ मैं उनका पानी का एरिया कर दूंगा और इस तरफ जो है ड्राई एरिया हो जाएगा, ऊपर से उनको लाइट वगैरह भी आती रहेगी, जब उनका मन करेगा इधर पानी में चले जाएंगे और इधर ड्राई उसमें भी, क्योंकि कछुए जो है कुछ टाइम पानी में रहना पसंद करते हैं और कुछ टाइम ड्राई उसमें। तो बस जल्दी ये भी बन जाएगा। तो गाइस ये अंडा जो है मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये ख़राब हो गया, सड़ गया, क्या है देखते हैं। गाइस इसके अंदर जो है बच्चा मर गया है इसका, इसके अंदर अभी आधा ही बच्चा बना था, ये देखिए
तो अब इसको फेंक देते हैं। गाइस ये देखिए बगीरा कहाँ सो रहा है। मग्गू मग्गू बहुत ही गहरी नींद में सो रखा है। तो यार मैंने ना एक न्यूज़ और देनी है आपको, वो ये है कि मैंने कबूतरों के लिए ये देखिए मैं जल्दी कबूतर इसको इस्तेमाल करेंगे तो देखने में मज़ा भी आएगा। ताकि कबूतरों के लिए इसलिए बनाया मैंने, कबूतरों के लिए बैठने के लिए एक जगह हो जाती है यहाँ पे। तो फिलहाल तो कबूतरों ने अभी ये यूज़ नहीं करा है, जैसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको भी दिखाता हूँ फिर। गाइस ये देखिए अभी हमने कबूतर उड़ाया है, एक तो जल्दी से आके नीचे बैठ गया पर दो अभी भी उड़ रहे हैं और ये दोनों भी नीचे आ गए। बहुत जल्दी आ गए यार नीचे एक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अब ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।